हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप मेरे साथ बने हुए हैं बायो विद खुशी चैनल पे। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम लेक्चर थर्ड शुरू करने वाले हैं। तो हमने बच्चों पिछले लेक्चर में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे मुंह से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो जगह जगह पर मॉडिफाई होकर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को बनाता है। जैसे ईसोफेगस के बाद हमारी एलिमेंट्री कैनाल फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे स्टमक कहेंगे। अभी स्टमक आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बनाएगा, फिर एनस पर जाकर एंड हो जाएगा। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल ही इन सभी को बनाता है। तो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत हमारे माउथ से होती है, मुंह से होती है। तो आज हम शुरुआत में माउथ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, माउथ हमारे दो लिप्स से घिरा हुआ एक पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल यहीं से शुरू होता है। जब हम लिप्स से अंदर जाते हैं, लिप्स से अंदर देखते हैं, जाएंगे कैसे देखेंगे, तो लिप्स से अंदर देखते हैं तो अंदर एक हमें स्पेस दिखाई देता है, एक कैविटी दिखाई देती है। इसी कैविटी को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। तो पॉइंट्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट माउथ होता है। माउथ लिप्स से घिरा होता है। ऊपर वाले लिप को अपर लिप कहते हैं, नीचे वाले को लोअर लिप कहते हैं। हमारे माउथ के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसे ही ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। एक डायग्राम देखते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हो हमारे मुंह के अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसी को ही ओरल कैविटी कहते हैं। ये ओरल कैविटी अपने चारों ओर ऑर्गन से घिरा हुआ होता है। ओरल कैविटी में अगर हम बात करें तो साइड में आप इसमें जॉ देख पा रहे हो, जबड़े देख पा रहे हो, जबड़ों में दांत होते हैं। तो ओरल कैविटी के दोनों ओर साइडों की बात करें तो साइड में जबड़े होते हैं जिनमें दांत होते हैं। नीचे की बात करें तो नीचे टंग प्रेजेंट होती है और ओरल कैविटी ऊपर से पैलेट से घिरी होती है। तो ओरल कैविटी की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है कि ओरल कैविटी एक लार्ज स्पेस होता है जो घिरा हुआ होता है ऊपर पैलेट से, नीचे की तरफ टंग से और साइड में जबड़ों से, जॉज से। जॉज के अंदर टीथ होते हैं। तो एक डायग्राम देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि साइड में हमारे जॉज हैं, ये नीचे की तरफ टंग प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ पैलेट है। तो शुरुआत करते हैं पैलेट के बारे में जानने से। तो पैलेट बच्चों हमारे ओरल कैविटी का अपर पार्ट होता है। पैलेट के दो पार्ट होते हैं, एक हार्ड पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट आगे की तरफ होता है जबकि सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ होता है। जब आप अपने टंग को ऊपर वाले तीत से पीछे की तरफ ले जाओगे तो वहां पे आपको एक हार्ड प्लेट दिखाई देगी, उसे ही हार्ड पैलेट कहते हैं। इसमें उभार पाए जाते हैं, ये उभार रूगी कहलाते हैं। जब आप अपनी टंग को फिराते हुए पीछे की तरफ ले जाओगे तो पीछे आपको सॉफ्ट हिस्सा दिखाई देगा, उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट का पिछला हिस्सा हैंगिंग होता है, लटका हुआ होता है, इसको यूगुला कहते हैं। तो पॉइंट्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हमारे पैलेट दो प्रकार के होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट पर पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें रूगी कहते हैं। हार्ड प्लेट आगे की तरफ होता है, तीत की तरफ होता है, जबकि सॉफ्ट पैलेट अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि सॉफ्ट पैलेट का पिछला हिस्सा हैंगिंग होता है, उसे यूवुला कहते हैं। एक डायग्राम से देखते हैं, तो इस डायग्राम में आप एक हैंगिंग स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो, इसी को ही यूवुला कहते हैं। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैलेट। तो पैलेट क्या काम करता है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट है कि हार्ड पैलेट फूड को पकड़ने में हेल्प करता है। तो जब हम खाने को चबाते हैं तो चबाने के दौरान वो खाना हम निगल ना जाए, इसलिए हार्ड पैलेट उस फूड को पकड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्ट पैलेट सटकने में हेल्प करता है। और सॉफ्ट पैलेट का हैंगिंग स्ट्रक्चर यानी यूवुला स्पीकिंग में हेल्प करता है, यानी हमारी आवाज़ या बोलने में एक रोल प्ले करता है। आगे चलते हैं तो डायग्राम देखते हैं। तो इसमें आप हार्ड प्लेट पर रोगी को भी देख पा रहे हो, फिर सॉफ्ट प्लेट आ गया, फिर उसके पीछे यूवुला है। तो बच्चों हमने ओरल कैविटी के ऊपर के पार्ट को देख लिया, ऊपर पैलेट प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं ओरल कैविटी में नीचे की तरफ क्या होता है। तो नीचे होती है टंग। अब टंग के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों टंग एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है। टंग हम आसानी से उसको मूव कर पाते हैं, मूवेबल होता है। टंग हमारे सेंस ऑर्गन्स में से एक होता है, क्योंकि हम टंग की हेल्प से फूड को टेस्ट कर सकते हैं। आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि टंग फ्रीली मूव करने वाला एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, यानी ये मसल्स से बना होता है, इसमें बोन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी टंग के ऊपर की सरफेस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, इन्हें पैपिली कहते हैं। इन पैपिली में ही कुछ में टेस्ट बर्ड होते हैं, जरूरी नहीं है सब में हो, कुछों में होते हैं। तो बच्चों थोड़ा डिटेल में चलते हैं समझने के लिए। तो पैपिली हमारे टंग के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ये जीवों में चार तरह के होते हैं, लेकिन इंसानों में ये केवल तीन तरह के पाए जाते हैं, सर्क्यूमुलेटिव पैपिली, फिलीफॉर्म पैपिली और फंजीफॉर्म पैपिली। ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ बोल के बता रही हूँ, ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो टेस्ट बर्ड इन्हीं में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सभी में सेम नहीं होते, नंबर टेस्ट बर्ड का अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें सर्क्यूमुलेट पैपिली की, तो उसमें एक पैपिली में 200 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। फिलीफॉर्म पैपिली में टेस्ट बर्ड होते ही नहीं है, जबकि फंजीफॉर्म पैपिली में 8 से 10 टेस्ट बर्ड होते हैं एक पैपिली के अंदर। तो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि हर पैपिली में टेस्ट बर्ड पाए जाएं या सेम ही पाए जाएं, नंबर वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हमारी टंग ओरल कैविटी के फ्लोर से पेरिनियुलम के द्वारा अटैच होती है। एक डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में देखो नाम भी दिए हैं पैपिलीज के। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टंग की, यानी टंग क्या क्या हेल्प करती है। तो टंग हमारे फूड को चबाने में हेल्प करती है। टंग फूड में सलाइवा को मिलाने का काम करती है, साथ में जब हम बोलते हैं उसमें भी हेल्प करती है। इसके अलावा टंग हमारा सेंस ऑर्गन है, तो वो फूड को टेस्ट करने में भी हेल्प करती है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।